अगर यहां बेचते हैं तो वहां पर डेफिनेटली एक बार लेने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, अशोक अग्रवाल जी के पास चलते हैं कोलकाता। अशोक जी नमस्कार, अपना सवाल पूछे। नमस्कार जी, मेरे पास 200 के 200 शेयर है, 110 रुपए के कॉस्टिंग में है, 7-8 साल पहले के हैं। तो अभी जो भाव गिरा हुआ है, तो इसमें एवरेज करना चाहिए कि या बैठे तो मेरा भाव मिल जाएगा? सरवेन जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है इनका। 100-110 के प्राइस पे इन्होंने कुछ वर्ष पहले खरीदा था 200 शेयर BHEL के। अब इनके कुछ सवाल ये है कि इतना गिर गया तो क्या एवरेज कर लें या बैठे ही रहें और तब प्राइस आएगा। 58 रुपये पर ट्रेड कर रहा है इस समय। देखिए, ये स्टॉक वो स्टॉक है, माफ कीजिएगा, अगर आप देखें तो 2007 में इसका हाई था। इसका बेयर मार्केट वहीं से चालू है और अब हो गए तकरीबन 12-13 साल। तो मेरे हिसाब से इसने उसके बाद अब ईयरली में जो रिवर्सल किया है, तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि वर्स्ट पॉसिबली इसके लिए इसका ओवर हो गया। और अब यहां से कहीं इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म अब यहां से खरीदने के रिसोर्ट बनेंगे, तो यहां एवरेज ना करें मेरे हिसाब से। अभी बाजार थोड़ा नरम हुआ है, आई थिंक 50 से 52 रुपए तक की एक रेंज है जहां पे भेल को अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं। उस रेंज में अगर गिरता है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एवरेज करें और अब ट्रेड में बने रहें। बहुत ज्यादा समय इन्होंने स्ट्रेट को दे दिया और बीच में कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये मैं डेफिनेटली इनको पॉइंट आउट करूंगा कि ये इनकी गलती है। बहुत लंबा खड़े रह गए और बीच में कहीं पे भी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया इन्होंने, तो वो गलत बात है। बट आई थिंक अब यहां से तो मैं बेचने की राय, इस लेवल से मेरे मेरे सेटअप्स में इसमें बाय आ गया है, तो मेरी बेचने की राय नहीं है। 50 रुपए 52 रुपए के आसपास लेने की राय है, वहां पे एवरेज की कोशिश करें और फिर ट्रेड को टाइम दें, 12-24 महीने उसके बाद दें। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें एक उछाल आएगा, एक अच्छा, कम से कम अगर तेजी नहीं चालू हुई और वो उछाल आपको 105-110 तक लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी बेचने कोई लाभ नहीं है, 52 के आसपास आए तो एवरेज करें क्योंकि ऑलरेडी आधा हो चुका है, तो अब बेच के कोई